इंदौर में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान कई विसंगतियां भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन का दूसरा डोज का मैसेज आ रहा है जिन्होंने या तो दूसरा डोज नहीं लगवाया है या जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि कलेक्टर ने इसे तकनीकी खराबी करार दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार इतने बड़े अभियान में यह समस्याएं आम है। कई बार मोबाइल नंबर आगे पीछे होने से यह गलती हो जाती है। हालांकि इस मामले में सीएमएचओ से चर्चा कर इस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। एक्चुअली ये पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है एक्चुअली, तो उसमें ऐसे केसेस आते हैं तो इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। सीएमएचओ कैसे रिपोर्ट होता है, अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट से डेली जाता है कि इस प्रकार के केसेस क्यों आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ स्लिप होता होगा जिसकी वजह से ऐसा होता होगा, या कहीं एंट्री में करने में कहीं पे, जो मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि पोर्टल तो गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं एंट्री करने में अगर एक दो नंबर भी इधर हो गए, मान लीजिए मोबाइल नंबर, तो वो गलत नंबर लोगों को चले जाते हैं। क्योंकि तो एंट्री करने में ये बहुत होता है कि मोबाइल नंबर गलत हो जाते हैं, टाइप करने में गलती हुई और वो दूसरे नंबर व्यक्ति को मैसेज चला जाता, तो ये सब इश्यूज होते हैं। अब इतने लार्ज स्केल में जब करोड़ों का काम होता है तो ये सब चीजें होना बहुत सामान्य सी घटनाएं हैं। ये